अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की लोकप्रिय जोड़ी एक बार फिर उमेश शुक्ला की फिल्म 102 नॉट आउट में नजर आने वाली है। इस फिल्म का टीजर आज जारी किया गया। 27 साल बाद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर इस फिल्म में बाप बेटे के रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में अमिताभ की उम्र 102 वर्ष की बताई जा रही है, जो पृथ्वी पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। फिल्म में ऋषि के साथ साथ परेश रावल की अहम भूमिका नजर आने वाली है, जो उनके बेटे के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन उमेश शुक्ला ने किया है, जिन्होंने इससे पहले ओ माई गॉड, ऑल इज वेल, फुल एंड फाइनल जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। अब तक इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये फिल्म गर्मी की छुट्टियों के आसपास रिलीज होने वाली है। टीजर में अमिताभ और ऋषि काफी बुजुर्ग दिखाए गए हैं, जो अपने बुढ़ापे पर रोने के बजाय उसको एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ अमिताभ बाजा बजा रहे हैं और नाच रहे हैं, तो वहीं ऋषि योगा करते नजर आ रहे हैं। दोनों एक साथ बीच रास्ते में बारिश का मजा लूटते भी नजर आ रहे हैं। इन दोनों को बाप बेटे के किरदार में देखकर यही लगता है कि दोनों अपनी जिंदगी में काफी कुछ देख चुके हैं, लेकिन अपने आखिरी समय में वो खुलकर एंजॉय कर रहे हैं। टीजर से साफ है कि ये एक बाप बेटे की बेहद खूबसूरत लव स्टोरी है। इतना ही नहीं, टीजर में अमिताभ कहते हैं कि एक बेटे को वृद्धाश्रम भेजने वाला मैं पहला बाप बनूंगा। ये फिल्म पिता पुत्र की प्रेम कहानी है। आपको बता दें कि पिछली बार ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन आखिरी बार अजूबा में नजर आए थे, लेकिन 27 साल बाद ये दोनों इस फिल्म के जरिए दर्शकों की यादों को ताज़ा करने के लिए लौट रहे हैं। इतना ही नहीं, फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ ऋषि और अमिताभ ने फिल्म के लिए गाना भी गाया है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।